ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइज आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो और सब बढ़िया है आप सभी के जीवन के अंदर। आप सभी लोगों का ढेर सारा वाला वेलकम और खुशामदीद गाइज आज के इस प्यारी से प्रेडिक्शन के अंदर। सो आज की जो प्रेडिक्शन होने वाली है, आज जो आप लोगों के लिए मैं आपका फॉर्चून बताने वाली हूँ, वो डेफिनेटली कार्ड्स के थ्रू तो होगा ही क्योंकि टैरो रीडिंग है, टैरो रीडिंग का चैनल है। लेकिन आज मैं आपको जो है स्मोक की हेल्प से भी गाइड करूँगी वाया स्मोक एनर्जीज। तो यानी कि आज की जो रीडिंग है वो स्मोक रीडिंग भी होने वाली है और आज की जो रीडिंग है वो टैरो रीडिंग भी होने वाली है। एंड टॉपिक होने वाला है द फ्लावर फुल मून। यस, फ्लावर फुल मून इज कमिंग गाइज, फ्लावर फुल मून आ रहा है। अब फ्लावर फुल मून जो है वो कब आ रहा है? वो आ रहा है 23 तारीख को, यानी कि 23 मई को। सो अगर आप इस रीडिंग को 23 मई से पहले पहले देख रहे हैं तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले इस वीडियो को आप लोगों तक लाने की कोशिश करी है। क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर ना मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही बेहतरीन रिचुअल्स भी बताने वाली हूँ जो आप अपने लिए कर सकते हैं। आप लोगों को पता है गाइस, जितने भी फुल मून की रातें होती हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा खास होती हैं, बहुत ही स्पेशल होती हैं। और वो इसलिए स्पेशल होती हैं क्योंकि हम उस दिन किसी भी प्रकार का कोई उपाय कर सकते हैं अपने जीवन में किसी स्पेसिफिक चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, ये वीडियो अगर आप लोगों को मिली है तो यकीन मानिए दैट डिवाइन कहीं ना कहीं चाहती है कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो अपनी एनर्जी है उसको काम रखें एंड कुछ अच्छा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें। अब क्या होता है कि जितने भी फुल मून और न्यू मून्स होते हैं ना, हमारे जीवन में इक्वल इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे कि न्यू मून हमारे जीवन में कुछ न्यूनेस लेकर आता है, कुछ इंटेंशंस ऐड करता है, ठीक है, और फुल मून कंप्लीशन देता है। ओके, और स्पेशली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मुझसे कुछ लोग बोलते हैं कि न्यू मून ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं या फुल मून ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, तो मैं बोलूँगी ऐसा कुछ नहीं होता है। अपनी अपनी इक्वल एनर्जीज हैं, अपनी अपनी इक्वल इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। जहाँ न्यू मून पे हम कोई ना कोई एनर्जी इंटेंसिटी ऐड ऑन करते हैं, वहीं फुल मून पे हम उस चीज़ को रिसीव करते हैं, ठीक है। बस फुल मून थोड़ा सा ज़्यादा हाई और स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जो काम न्यू मून पे नहीं कर सकते हैं, जैसे कंप्लीशन के स्पेल्स हो गए या कोई टोटका हो गया या कोई मैनिफेस्टेशन हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें हम जो है अपने आपका क्या होता है फुल मून के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज माई ब्यूटिफुल पीपल, आज के रीडिंग का जो टॉपिक है वो है फ्लावरिंग फुल मून ऑफ 2024 मई का, जो कि होने वाला है 23 तारीख को। और माई ब्यूटिफुल पीपल, इस मून को फ्लावरिंग या फ्लावर फुल मून इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसके स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों ही बहुत खूबसूरत है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ये है कि आप देखना शुरू करेंगे कि 23 मई के बाद आपके पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स जो होंगे वो ब्लूम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बडिंग होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। जहाँ अब तक सिर्फ और सिर्फ पत्ते झड़ रहे थे, सड़कें एकदम ख़राब हो जाती थी पत्तों से, है ना, और अब आप देखोगे कि आपके घर में भी अगर कुछ पौधे लगे हुए हैं फ्लावर वाले तो उसके अंदर बहुत बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकली इसकी ये महत्वता है। अगर मैं स्पिरिचुअली बोलूँ तो फ्लावर फुल मून हमारे जीवन के अंदर, जैसे जहाँ पर वो 3D वर्ल्ड में ब्लूम कर रहा है फ्लावर्स को, वैसे ही हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लूम करता है। बिकॉज इस फुल मून का तात्पर्य है कुछ देना जो कि खूबसूरत हो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 5-5 पोर्टल के बाद आ रहा है ये, है ना। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है दैट कि ये जो 23 मई को होने वाला है फ्लावर फुल मून, द फ्लावरिंग ब्लॉसमिंग फुल मून, ये आप लोगों के जीवन में कौन से पॉजिटिव चेंजेस को लेकर आ रहा है। आज रीडिंग कर रही हूँ स्मोक के थ्रू एंड टैरो के थ्रू, कुछ ऑरिकल्स भी देखेंगे फॉर द गाइडेंस,
और आप लोगों को आज बहुत ही स्पेशल रिचुअल भी बताने वाली हूँ जो आप लोगों ने परफॉर्म करना है 23 मई को रात को फुल मून के समय, ठीक है। अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार की किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ही सादा, बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही पॉजिटिव इजी होने वाले हैं रिचुअल्स, तो आई डोंट थिंक सो आप इस चीज़ को मिस करेंगे, ओके। एंड अब बात करते हैं, आई थिंक आप लोगों को ब्रीफ में अच्छे से पता लग गया है कि आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है, कैसे होने वाली है। नाउ लेट मी टेल यू गाइज अबाउट द पाइल सेलेक्शन। अभी आप लोगों की स्क्रीन पर ना दो वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, हो सकता है अभी देखने को मिल रहे हों। तो एक है जहाँ पर, एक पहला जो वीडियो है उसके अंदर क्या है कि बहुत ही खूबसूरत सा फुल मून है, आप देख सकते हो वाटर है यहाँ पर, रात हो रही है और बहुत ही खूबसूरत फुल मून है। आप देख सकते हो कि कितनी कितनी पॉजिटिविटी सी है इस फुल मून को, देखिए आप कितना प्यारा सा लगेगा आपको। एंड दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं हमारे दूसरे फुल मून की, तो आप इस फुल मून को भी देख सकते हो, कितनी शांति कितनी पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है जो किसी प्रकार के किसी इंतज़ार में है, आप देख सकते हो एक लड़की बैठी हुई है जो किसी प्रकार के इंतज़ार में है। एंड यहाँ पर एक पेड़ है जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत से रेड फ्लावर्स हैं और वो फ्लावर्स जो है ज़मीन पर गिर रहे हैं, ठीक है। और ये लड़की किसी तरीके के वेट में है, बट फुल मून देखिए आप कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत। सो ये जो दो वीडियोस मैंने आप लोगों को अभी दिखाए हैं, इन दोनों वीडियो में से किसी एक वीडियो को आप लोगों ने पिक करना है। दिस इज़ साइकिक रीडिंग, इस चीज़ को याद रखिएगा दैट दिस इज़ अ साइकिक रीडिंग। और साइकिक रीडिंग्स की जहाँ बात आती है, साइकिक मतलब हो गया आप अपने अंतर मन के, अपने इंट्यूशंस के हिसाब से उस चीज़ को पिक करते हैं। तो साइकिक रीडिंग है तो आपने अपने साइकिक एनर्जी एनालिसिस के थ्रू ही पाइल को पिक करना है। पाइल नंबर वन जहाँ पर वाटरी कंसिस्टेंसी है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर कोई ह्यूमन बिहेवियर मौजूद नहीं है, और पाइल नंबर टू जहाँ पर एक पूरी की पूरी ह्यूमन है, वेट कर रही है, फ्लावर्स गिर रहे हैं, ओके। सो अच्छे से आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, अच्छे से पहले देख लीजिए, दोनों पाइल्स को देख लीजिए और उसके बाद आप मंशा बनाइए और किसी एक पाइल को पिक कीजिए, ठीक है। सो रीडिंग शुरू करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छे से पाइल सिलेक्शन कर लिया है एंड नाउ दे आर सुपर डुपर रेडी टू सी देयर प्रेडिक्शंस। चलिए शुरू करते हैं फॉर द पाइल नंबर वन। और अगर अभी आप कन्फ्यूज हैं थोड़े से भी, तो एक बार ही पॉज कर लीजिए, दोनों वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। एंड अच्छे से देखने के बाद अपने दिल की आवाज़ को सुन के आप रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। दोनों पाइल्स का टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली द 111 टैरेट। और आप लोग मुझे कमेंट में अपना प्यार देना ना भूलें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर वन। Hi to all my beautiful pile number one people, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत है guys आज की इस रीडिंग के अंदर। सो आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है रिलेटेड टू द फुल मून, ठीक है। फुल मून आ रहा है हमारा 23 तारीख को, और ये जो फुल मून है ये है, इसका नाम है फ्लावर फुल मून। और फ्लावर फुल मून जब भी आता है तो जीवन में फ्लावरिंग एनर्जीज लेकर आता है, कुछ ना कुछ सूदिंग सॉर्टेड क्रिएट करता है। तो आइए देखते हैं आपके जीवन में इस फ्लावरिंग फुल मून का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कौन सा रिचुअल आपको करना चाहिए। मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक रिचुअल के बारे में बताऊंगी जो आपने करना है, ठीक है। और ये आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आपके जीवन में बहुत फास्ट तरीके से आ रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक जॉब हो सकती है, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, कोई स्पेसिफिक बात हो सकती है, एनीथिंग, ओके। तो स्मोक रीडिंग कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए और टैरो से भी चेक करूँगी, ठीक है। थैंक यू। पता नहीं क्यों मेरी आंखों में ना इस वक्त आंसू हैं और मेरा मन बहुत भागा भागा सा है, मतलब बहुत जैसे भाग रहा है, मन बहुत अशांत।
जबकि मैं एकदम क्लियर एनर्जी में बैठी हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग करने के लिए, बिकॉज स्मोक रीडिंग्स होती ऐसी हैं कि अगर कोई किसी प्रकार का कोई इमोशन है ना, तो वो बहुत बहुत फास्ट फ्लो में आता है. लेट्स सी. सो बेसिकली मुझे यहाँ पर आप लोग महसूस हो रहे हैं, पाइल नंबर वन जिन्होंने भी पिक किया है गाइस, आप लोग इस एनर्जी में हैं कि मैंने कुछ भी ना बोलना नहीं है, ठीक है. जो भी मेरे मन में बात है ना, वो मैं अपने तक ही सीमित रखूँ. आप देख सकते हो स्मोक, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी दिख रही है कितनी नहीं. मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि मन में ना बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं मन में, लेकिन बयान नहीं करनी. इमोशनली ना पाइल नंबर वन पीपल, आई एम सीइंग यू गाइस आर इन अ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है. इमोशनली आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के अवेलेबल नहीं है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है. और चाहते बहुत कुछ करना है, मतलब मन बहुत कुछ करने का है, लेकिन चीज़ों को लेकर के क्लियर नहीं है, कन्फर्म नहीं है. देख रहे हो आप. बह रहे हो आप, ठीक है, मतलब अपनी लाइफ के अंदर जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है ना, बस उसके अंदर बह रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टक कर रही हैं कहीं ना कहीं. और एक चीज़ और जो मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ, वो है कि जैसे कि आप किसी के साथ के लिए किसी की बात के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के आप अभी ना एक स्टेबल एनर्जी फॉर्म में नहीं हो. मतलब किसी ने या तो आपका बहुत गंदा वाला दिल तोड़ा है, या किसी प्रकार की कोई चीज़ आपसे रूठ ही है, कुछ रूठ गया हो जैसे आपसे, ठीक है. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अभी बहुत स्ट्रांग, जैसे कि कुछ रूठ गया, कुछ कुछ खो दिया आपने. और ये जो चीज़ आपने खोई है ना, इसका आपको बहुत बहुत स्ट्रांग पछतावा सा है. और ये जो पछतावा है ना, ये आपके जीवन से ख़त्म नहीं हो रहा है. मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं. कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिन्होंने पाइल नंबर वन को पिक किया है. दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू स्टेट ऑफ एनर्जी. एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं, एक नई आज़ादी के साथ जीना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं. हो सकता है केज जैसा जीवन आप लोग जी रहे हैं कहीं ना कहीं, और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि बार बार सेम पैटर्न रिपीट होते 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 अब आपने ये सोचना शुरू कर दिया है दैट मेरी लाइफ में तो शायद यही प्रारब्ध है, शायद यही मेरी डेस्टिनी है, और इस डेस्टिनी से मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, और मैं इसी चीज़ के अंदर ऐसे ही फ्लो करती रहूँगी करती रहूँगी करती रहूँगी. दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग. एक चीज़ और जो मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ कि आप किसी प्रकार के लूप में बंधे हुए हैं. लूप का मतलब हो गया कि सेम चीज़ें अगेन अगेन आ रही है आपके जीवन में, ठीक है. एंड मैं एक चीज़ और फील कर रही हूँ कि कोई तो है यहाँ पर जो आपका ना फ़ायदा उठाना चाहता है, या अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है कहीं ना कहीं, ठीक है. वन मोर थिंग एक चीज़ और मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि आपके अंतर्मन का जो बच्चा है ना, देखो कैसे कैमरा भी हिल गया, आई एम रियली सॉरी. आपके अंतर्मन का जो बच्चा है ना, वो अभी भी कहीं ना कहीं ज़िंदा है. मतलब वो जो बच्चा है ना, वो अभी कहीं ना कहीं मरा नहीं है, वो ख़त्म नहीं हुआ है. उसने बस अपनी ना थोड़ी सी सोच चेंज कर ली है, उसने अभी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को साइड कर दिया है. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत बहुत ज़्यादा. और एक चीज़ और मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आप ना अब अपनी लाइफ को अपने फुलेस्ट तरीके से जीना चाहते हो. ये मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है. अगर मैं यहाँ पर फुल मून की एनर्जीज की बात करूँ, हे डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिएगा, अगर मैं फुल मून की बात करूँ ना, ये फ्लावरिंग फुल मून की अगर मैं बात करूँ, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ चेंजेस आर कमिंग. अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मुझे यहाँ पर आप रिलीजियसली भी चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं.
अपने कंफर्ट से थोड़ा सा बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। रिलीजियसली आप चेंज हो रहे हैं, स्पिरिचुअली आप चेंज हो रहे हैं। जो पहले चीज़ें आपको ख़राब लगा करती थी ना, अब आप उस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। मतलब ऐसा होता है ना कि जो चीज़ें आपको बुरी लगा करती थी, अब वही चीज़ आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाएंगी। आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी बहुत स्ट्रांग, ठीक है। चेंजेस आपके बिहेवियर में है, चेंजेस आपके मनी पैटर्न में है, चेंजेस आपकी हेल्थ में है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर हेल्थ को लेकर के भी थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हेल्थ को लेकर के भी कुछ लोगों की तबीयत मुझे ठीक होते हुए नज़र आ रही है। और एक चीज़ और जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ बहुत स्ट्रांग, अगर मैं टिप को देखने की कोशिश करूँ, हाँ एग्जैक्टली हर्मिट की एनर्जी है। होपलेस से सिचुएशन में होप्स ढूंढ रहे हैं, हर्मिट की एनर्जी है, लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। अच्छी बात ये है, यहाँ पर पाइल नंबर वन पीपल हार नहीं मान रहे हैं, लगे हुए हैं। फ्लावरिंग फुल मून आप लोगों के जीवन में ना ट्रांसफ़र चेंजेस लेकर आ रहा है। ट्रांसफ़र चेंजेस का मतलब है किसी प्रकार के ऐसे बदलाव जो अभी तक आप अपने जीवन में नहीं पिक कर पा रहे थे या नहीं देख पा रहे थे। नाउ लेट मी चेक। ओके, नाउ लेट मी चेक कि क्या आपका जो ये फुल मून है आपके जीवन में लेकर आ रहा है। तो स्मोक के हेल्प से आई प्रेडिक्ट व्हाट एवर द एनर्जीज यू हैव राइट नाउ, किस प्रकार के एनर्जीज आपके अभी हाल फिलहाल हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेक करना चाहती हूँ कि ये जो फुल मून है ये आपके जीवन में ना क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम टैरो से चेक करेंगे, क्योंकि स्मोक की एक लिमिटेशन होती है कि जब तक कुछ चीज़ें आ रही हैं पता तब तक आ रही हैं, अचानक से स्मोक जो है शैटर्ड हो जाता है। तो मैं चेक कर लेती हूँ एक बारी कार्ड से, व्हाट थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ, कौन सी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं इस फुल मून के प्रभाव से। ओके, ये कुछ अच्छा भी हो सकता है, ये कुछ बुरा भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना कि आप किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में हो। रिचुअल बताऊंगी मैं आप लोगों को, परेशान मत हो, क्योंकि मैं यहाँ पर इस एनर्जी को मैं फील कर पाई। मैं मतलब मेरे ना दिल में दर्द हो रहा था, सीने में बहुत पेन था और भारीपन था, पेन नहीं बोलूँगी, आँखों में अजीब सी नमी थी, मेरे आँखों में आंसू से थे। व्हेन आई वाज डूइंग प्रे फॉर यू ऑल, तो मैं समझ पा रही हूँ कि मन की बातों को नहीं बोल पा रहे हैं आप, है ना, अपने मन की बातों को नहीं शेयर कर पा रहे हैं। पाइल नंबर वन मन की बातों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाए ना जिससे कि आप अपने मन की सारी बातें कर दें, तो आप भर भर के सारी बातें कर देना चाहेंगे, आप इतने ज़्यादा फ्लोई हो जाएंगे उसके सामने। आपकी ये एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। द क्वीन ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है, जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक टेन ऑफ कप्स। यहाँ पर देख सकते हैं आप, औरतों का बोलबाला बहुत है, ठीक है। औरतों का कैसे, मैं पिक्चर्स की तरफ नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पर जाऊँगी औरतों की एनर्जीज की तरफ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तीनों क्वीन है यहाँ पर, ट्रिपल ट्रिपल एनर्जी। चाहे आप एक लड़की हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं, चाहे आप लड़के हैं, यानी कि आपकी एनर्जी चाहे मेल की है चाहे फीमेल की है, एक चीज़ मैं जो बहुत स्ट्रांग यहाँ पर देख रही हूँ वो है सिचुएशन को हैंडल करना। ये जो फुल मून है ना आपके जीवन में सिचुएशंस को बखूबी हैंडल करने वाला है। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह रिजिड, शांत, वैल्यूएबल, ऑथेंटिक एंड तेज तर्रार होंगे, ठीक है, करियर ओरिएंटेड होंगे। एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह स्टेबल, शांत, सिक्योर, पॉजिटिव, अलाइंड होंगे। एंड एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह मदरली, नर्चरर, शांत, और एक तरीके से ऐसा होता है ना कि एक इंसान ऐसा पर्टिकुलरली जो अपने आप को पहले नर्चरर कर रहा है, उसके बाद आगे आने वाले लोगों के बारे में सोच रहा है। सो दिस इज़ व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम फीलिंग फॉर यू, कि आप लोग कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट ये सब चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली आप लोगों का जो एनर्जी फॉर्म है ना, आपका जो बिहेवियर है,
वो चेंज होगा सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। सामने वाला इंसान आपके लिए किस प्रकार का बिहेव रख रहा है, किस प्रकार की एनर्जी में है, आप बिल्कुल उसके साथ वैसा ही रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब आपके जीवन में क्या आ रहा है इस फुल मून की वजह से, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि किसी प्रकार का कोई ट्रैवल, किसी प्रकार की कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी, एंड ये अपॉर्चुनिटी इतनी स्ट्रांग होगी, इतनी पावरफुल होगी कि आपको देखते के साथ मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एक ऐसी वुमेन हैं या एक ऐसे मैन हैं जो काफ़ी टाइम से अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है, आपके पास में किसी प्रकार का जॉब या कोई काम नहीं था, अचानक से आपके पास आ रहा है और आप देख सकते हो ये कैसे सोच में बैठी हुई है, ठीक है, कि मैं इसको पिक करूं या नहीं, ऐसी एनर्जी आपकी होगी, आप ऐसे सोच में हो जाओगे कि अरे यार मुझे इस पिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोचोगे, ओके। एंड अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो तो भी आपके पास में एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है फॉर द पाइल नंबर वन पीपल, वो इसलिए आ रही है बिकॉज आपने अपने आप को चीज़ों के लिए प्रूव किया है कि आप कितना कुछ डिजर्व करते हो और कितना कुछ आपको अभी तक नहीं मिल पाया, ओके तो इसलिए आपके जीवन में ऐसी चीज़ आ रही है। नेक्स्ट, क्वीन ऑफ पेंटिकल, अब जब एक अच्छा जॉब आ रहा है, चाहे लोग आपको समझे या ना समझे, आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, आप शांत हो, आप अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हो, तो आपके साथ क्या होगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ही ज़्यादा अलाइंड हो जाओगे, ठीक है। और अगर आप इस जॉब को पिक नहीं भी करते हो ना, तो भी आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंतर मन में कि हाँ यार फाइनली, मतलब मैं इतनी काबिल हूँ, मैं इतनी डिजर्विंग हूँ कि मेरे पास ऐसे ऑप्शंस आए, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल, शांत महसूस करेंगे, स्टेबल फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे। अगर आपके पास आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी कदर नहीं करते, चाहे वो आपके घर वाले हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, कोई भी है, लोग अचानक से ना आपकी बहुत ज़्यादा केयर करना शुरू करेंगे इस फुल मून के बाद से। हाई प्रेस्टिस का कार्ड है क्योंकि लोगों को आपके अंदर कुछ स्पेशल दिखने वाला है। देखो, जो आज के ज़माने की तो मांग ये हो गई है कि जो इम्पॉर्टेंट होता है ना, उनको जो इम्पॉर्टेंट लग रहा होता है वो उस चीज़ के पीछे भागते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके आसपास के लोगों को दिखने वाली हैं कि लोग आपसे बहुत मुतासिर होंगे, लोग आपसे बहुत इंस्पायर्ड होंगे और लोगों को ऐसा लगेगा कि यार कोई भी डिसीजन ले रहे हैं एक बार ही उससे पूछ लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है ना कि जैसे आपने किसी चीज़ के बारे में बोला, आपके घर वालों ने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी और फिर सिचुएशन क्या बनी कि वो चीज़ वैसी होगी जैसे आपने बोला था, अब लोगों के बीच में आपका एक वो बन गया, एक हवा बन गई, अरे वाह, मतलब यार उसने बोली थी ये बात, तो ऐसा कुछ होने वाला है हाई प्रेस्टिस, जिसकी वजह से लोग आपकी केयर करना शुरू करेंगे, सडनली केयर, सडनली आपकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं लोग, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने आप को नर्चर करने वाले हैं। आपने बहुत समय से अपनी स्किन के ऊपर ख्याल नहीं किया, आपने बहुत टाइम से अपनी लाइफ के ऊपर ख्याल नहीं किया, आपने बहुत टाइम से अपने ऊपर ख्याल नहीं किया, आप हर वक्त एक ही परेशानी को जोड़ तोड़ मरोड़ते रहते हो हमेशा। आप इस एनर्जी से बाहर आओगे, खुद को नर्चर करोगे, ठीक है। बहुत बार आपके साथ सिचुएशन ऐसी रहेगी कि मुझे क्या पिक करना चाहिए, कैसे पिक करना चाहिए, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहोगे, लेकिन जजमेंट का कार्ड है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना, इनको देख करके आपके दिमाग में एक चीज़ बहुत स्ट्रांग आएगी कि दैट डिवाइन इज़ देयर फॉर मी एंड डिवाइन इज़ एक्चुअली गिविंग मी इम्पॉर्टेंस। परमात्मा मुझे इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं, मुझे जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो गुड थिंग्स आर कमिंग फॉर यू। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप एक स्ट्रांग सॉलिट्यूड पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में ना लोगों के बीच में इम्पॉर्टेंस केयर हासिल करोगे, इज्जत हासिल करोगे, ठीक है, अच्छा खासा मनी फेम हासिल करोगे। और जब इंसान के पास पैसा होता है तो वो चीज़ों को बहुत पॉजिटिविटी के साथ कंट्रोल कर पाता है, तो आप ऐसा कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। द डिवाइनर, यहाँ पर कार्ड आया है, डिवाइन टाइम, गॉड ग्रेस, यानी कि आपकी डिवाइन टाइम आ गई है पाइल नंबर वन पीपल, कि अब आपको वो सब मिले जिससे आप वंचित रहे। द फेट, एक्सेप्ट द गाइडेंस, इस गाइडेंस को एक्सेप्ट कीजिएगा। एंड द चैम्पियन, अचीवमेंट एंड डाउनफॉल, यानी कि आपके जितने भी डाउनफॉल्स थे ना वो फाइनली खत्म हो गए हैं और अचीवमेंट आ रहा है आपके जीवन में, चैम्पियन की एनर्जी, ओके। हो सकता है यहाँ पर ये जो फादर मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप उसे बहुत सारे लोगों को ना अभी कुछ टाइम में फैदर वगैरह मिले हो, पंख मिले हो, ठीक है, कबूतर के, पंछियों के, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, मुझे तो बहुत मिलते हैं, बहुत।
तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवाइस है, स्टार सीड रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट थ्रू योर रेडिएंट लविंग लाइट, यानी कि जो ये सृष्टि है इसकी वाइब्रेशंस को बढ़ा दीजिए आपके अंतर मन में जो प्यार है ना उसको लोगों को बांट करके। एंड नो लिमिटेशन, यू आर सेलेस्टियल बीइंग विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज मच फॉर यू टू शेयर, आपके अंतर मन में बहुत कुछ है जिसे आप शेयर कर सकते हो लोगों से, एंड पीपल विल लव इट। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, यहाँ पर ये प्लस का जो सिंबल बना हुआ है, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है पाइल नंबर वन जितने भी लोग हैं ना आप लोग हीलर्स हो सकते हैं या फिर मास्टर सोल्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, मास्टर सोल्स हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपकी जीत होने वाली है किसी भी चीज़ को लेकर के, अगर आप परेशान हैं आपकी जीत होने वाली है। विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड। एंड वन मोर कार्ड, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। जो कुछ भी करना चाहते हो अब आपको कर लेना चाहिए, आपको एक्शन ले लेना चाहिए अपने लिए। एंड बैलेंस योर सेल्फ, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट का कार्य, यानी कि क्लियरली पॉजिटिवली मेडिटेट कीजिए ऑन दी एनर्जीज, अपने आप को शांत रखिए और आगे बढ़िए, बिकॉज गुड डेज आर कमिंग, अच्छे दिन आ गए हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा पाइल नंबर वन पीपल, अच्छे दिन आ गए हैं। ओके, रिचुअल भी बताऊंगी मैं भी आप लोगों को आपने क्या करना है, परेशान मत होइएगा। ट्रुथ इज योर टीचर, ट्रुथ इज माई टीचर, ट्रुथ इज योर टीचर। ठीक है, जो सच्चाई अच्छाई नेकी है ना आपके अंदर, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ से आप लोगों के लिए मैसेज है, इट टेक्स करेज टू ग्रो अप एंड बिकम हु यू रियली आर। कभी भी ऐसा मत सोचना पाइल नंबर वन पीपल कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो अर्जित नहीं किया, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समय लगता है, करेज लगता है, आपने जो अपने आप को करके दिखाया है ना लोगों के लिए, खुद के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, ऐसा इतना ईजिली कोई कर नहीं पाता है। ठीक है, सो यू गाइज आर वेरी मच पॉजिटिव, आप बहुत पोटेंशियल रखते हैं अपने अंदर, उस पोटेंशियल को बाहर निकालिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को अब बता रही हूँ, जो आपका रिचुअल है जो आप लोगों ने फुल मून के दिन करना है 23 तारीख को, 23 मई को रात को करना है। आपने क्या करना है, आप एक काम कर सकते हो, 11:11 पे करना बहुत बेहतर रहेगा। वैसे तो फुल मून का जो टाइम पीरियड होता है पूरा का पूरा बहुत ब्लेस्ड होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है या स्पेसिफिकली आप टाइम दे सकते हो तो आप एक काम करना, आपने क्या करना है, थोड़े से लेने हैं आपने जौ होते हैं ना, जौ आते हैं, आप चेक कर लेना। ठीक है, थोड़े से आपने लेने हैं जौ। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा लेना है कपूर। ठीक है, जौ को आपने पहले पीस, ये काम, ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ये पहले से ही करके रख लेना है आपने। थोड़े से जौ लेने हैं, थोड़ा सा कपूर लेना है, और उसके अंदर आपने लेना है थोड़ा सा सिनेमन, दो लौंग, दो ही लौंग लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। सिनेमन का मतलब होता है दालचीनी। ठीक है, थोड़ी सी दालचीनी, दो लौंग, एक कपूर और जौ, इनको साथ में आपने पीस लेना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल होती हैं, जौ कभी कभार घर पर अवेलेबल नहीं होता, लेकिन अभी गर्मी चल रही है तो ज़्यादातर लोगों के पास होता है, यहाँ राजस्थान में तो होता है, बाकी आप देख लीजिएगा, नहीं है तो मंगा लीजिए, अभी टाइम है फुल मून में। ठीक है, इन सबको आपने पीस लिया। ओके, इतना सा पाउडर भी बन जाता है ना, बहुत है, भर के बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सा मतलब एक स्पून बन गया ना, बहुत है। अब आपने क्या करना है माय ब्यूटीफुल पीपल, अब आपने क्या करना है, एक लेना है पेपर। ठीक है, ये सारी तैयारियां पहले कर लेना 11:11 से पहले ही। अब आपने लेना है एक पेपर, उस पेपर के ऊपर विद द हेल्प ऑफ रेड कलर का पेन आपने अपने मन की विश लिखनी है। जैसे आपकी विश है, कोई भी स्पेसिफिक विश हो सकती है, जॉब से रिलेटेड है तो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना, मनी से रिलेटेड है तो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना, शादी से या बच्चे से या हेल्थ से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी विषय, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई ऐसे है कि लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कैसे विश को मोल्ड करूँ, तो आप एक काम करना, अपनी जो इच्छा है ना उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं एक पिन कर दूंगी मैसेज। ठीक है, वहाँ पर लिख देना, तो वहाँ पर अगर कुछ उसके अंदर ऊपर नीचे हुआ तो मैं वो करेक्ट करके बता दूंगी, आई कैन डू दिस फॉर यू। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वो जो पेपर है ना, अच्छा खासा बड़ा पेपर होना चाहिए, इतना बड़ा तो होना चाहिए। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, वो जो पाउडर आपने बनाया ना, उस पाउडर को उसके अंदर डालना है, उसको क्रम्बल करके ना पेपर को एकदम ऐसे
ले लेना। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, मेरे पास ये पेज पड़ा हुआ था किसी वीडियो के अंदर, मैंने आप लोगों को डेस्टिनी नंबर सिखाया था आई गेस। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये पेपर रहा आपका, इतना बड़ा तो हो कम से कम, ठीक है, आप देख सकते हो इतना बड़ा तो हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एशेज हैं, ये आपकी रीडिंग के एशेज थे, मैं इसमें बता देती हूँ, ऐसे इसमें लिए, ठीक है, ऐसे लिए, इतना भी होगा ना आपका वो जो पाउडर मैंने बताया तो भी बहुत है, ऐसे लिए आपने एशेज, ऐसे इसको किया, ऐसे एक बना दी इसकी पुड़िया, ठीक है। और इसको अब आपने क्या करना है, छत पे करना, 11 बजे के समय करना है, आपने 11:11 पर पुड़िया बना के पहले ही रख लेना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 11:11 पर इस पुड़िया को अपनी छत पे, अपने टेरेस पे या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर फुल मून की रेज पड़ेंगी वहाँ पर आपने रख देना है। सॉरी, गॉड ब्लेस मी, मुझे लगता है मुझे ठंड हो गई है, तो गर्मियों में भी ठंड हो जाती है मुझे। तो आपने क्या करना है, इस पेपर को ऐसे ऐसे पुड़िया बना के रख देना है जहाँ पर फुल मून की रेज आ रही हो, और ये बचा रहे, ऐसा नहीं कोई जानवर या कोई जीव जिनावर ले भागे इसे, ठीक है। रख करके सुबह आपने उठना है, जितने बजे आप उठते हो, जल्दी कर लोगे तो बहुत बेहतर बात है क्योंकि धूप पड़नी शुरू हो जाती है। आपने क्या करना है, नॉर्मली इस पुड़िया को लेना है और इसके अंदर जो जौ वगैरह सब कुछ है ना उसको ऐसे ही रखे रहने देना। अब आपने क्या करना है, एक गड्ढा खोदना है, ठीक है, उस गड्ढे के अंदर आपने इस पुड़िया को डालना है पहले तो, ठीक है। उसके ऊपर थोड़े से जो है, आप कोई भी सीड ले सकते हो, कोई पौधा ले सकते हो, फूल का या कोई फल का पौधा ले सकते हो, कोई आम, नींबू, अनार, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस पौधे को लगाना है वहाँ पर, ठीक है, अच्छे से उसको लगा देना है, प्लांट कर देना है ट्री को। प्लांट करने के बाद आप उसको डेली पानी दो। अब कुछ लोग बोलेंगे ज़मीन में लगाएं या गमले में लगाएं, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स कि आपके पास कैसी जगह है कैसी नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डेली आपने उसको पानी देना है, डेली आपने उसको देखना है कि वो कितना फ्लावर कर रहा है। उसके अंदर जैसे ही फ्लावर आने शुरू होंगे, जैसे ही उसके अंदर ग्रोथ आपने देखना शुरू करोगे, आप ये समझ जाना कि आपकी जो वो इच्छा है ना, आपकी जो वो विश है वो पूरी होने वाली है। ओके, ट्राई टू डू दिस, ये रेमेडी, सॉरी, आप ये रेमेडी करना शुरू करो, आप ये रेमेडी करो, एक बार ही करना है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट आपका फुल मून आएगा ना, तब तक ये कहीं ना कहीं बड कर जाएगा, आपका जो ये पौधा है ना, अगर आपने इसकी अच्छे से देखभाल करी है और परमात्मा चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो, तो ये जो है बड कर जाएगा प्लांट। अब इस चीज़ को आपने करना है, आपको इस चीज़ से ना एक पंथ दो काज होगा। पहला तो ये कि अगर आपकी विश सही है, डेस्टाइंड है, तो वो पौधा लग जाएगा, वो पनप जाएगा, ठीक है, और परमात्मा तक वो मैसेज भी पहुंच जाएगा। बस डिटैचमेंट की एनर्जी में रहना, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर इधर उधर फिरते रहो कि अरे 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 लग गया लग गया लग गया, ऐसे नहीं, एकदम शांत रहना है, ठीक है, एकदम डिटैच रहना है। बिकॉज हर स्पेल, हर मैजिक का, हर रेमेडी का, हर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का एक सिंपल रूल ये होता है कि आपने डिटैच रहना है। आप ये काम करो, डिटैच हो जाओ, उस पौधे को बस अपने निगरानी में रखो, अपने सामने रखो, और अगर वो चीज़ विश आपकी डेस्टिनी में नहीं है या सही नहीं है या जो भी सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से भी आपको कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि शायद पौधा नहीं लग रहा है, इसका मतलब मेरे डेस्टिनी में नहीं है। तो इस चीज़ से आपको एक क्लैरिटी भी मिल जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। डू दिस, ठीक है, इस काम को आप करो, भरपूर पॉजिटिविटी के साथ करो, आपका काम हो जाएगा। बिकॉज मुझे तो लग रहा है कि आपकी जो भी इच्छा है ना वो बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही प्रैक्टिकल है। अब कोई ऐसा बोले कि वो फिल्मी सितारा है भाई, उसके साथ मेरी शादी करा दो, ठीक है, या मेरी अभी उम्र 50 है, मेरे को 15 का बना दो, मतलब एकदम जो वो होती है ना, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ऐसी विशेस को मत लीजिएगा, नॉर्मल प्रैक्टिकल विशेस को लीजिएगा, ठीक है। ट्राई टू डू दिस, ये आप करने की कोशिश करो, यू विल श्योरली गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट में ना मेरे को जरूर बताना अगर कोई अफर्मेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ रही है तो, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन, जल्दी मिलेंगे, एंड हैप्पी फुल मून टू माई ब्यूटिफुल पीपल, लव यू ऑल।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पायल नंबर टू पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी से रीडिंग के अंदर। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आई हूँ फुल मून से रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत प्रेडिक्शन विद द हेल्प ऑफ स्मोक एंड विद द हेल्प ऑफ टैरो। फॉर श्योर टैरो का चैनल है तो टैरो तो होगा ही, लेकिन स्मोक की हेल्प से भी मैं आप लोगों को आज प्रेडिक्ट करने वाली हूँ चीज़ें, आपकी एनर्जीज बताऊंगी। और आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं एक ऐसा बेहतरीन मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्पेल या एक ऐसा टोटका बताऊंगी जो आपकी किसी भी मनोवांछित चीज़ को ना आपके जीवन के अंदर लाने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। सो बने रहिए इस वीडियो के अंदर, शुरू करते हैं। आप लोगों ने पिक किया है पायल नंबर टू को, यानी कि आप लोगों ने पिक किया है उस बहुत ही खूबसूरत से वीडियो को जिस वीडियो के अंदर एक लड़की बैठी हुई है और इस ये लड़की ना काफ़ी ज़्यादा किसी वेटिंग की एनर्जी में, किसी प्रकार का कोई इंतज़ार कर रही है, बहुत स्ट्रांग तरीके से किसी प्रकार का कोई इंतज़ार कर रही है, चाह रही है कि इसका काम हो जाए। फ्लावर्स की एनर्जी है यहाँ पर, फ्लावरिंग एनर्जी है यहाँ पर, और फ्लावर्स गिर रहे हैं, रेड कलर के फ्लावर्स हैं जो कि पेड़ पे से गिर रहे हैं, ठीक है। वेट है यहाँ पर, फॉल है यहाँ पर, ब्लूमिंग है यहाँ पर, ठीक है, और एक ग्रेस है, ये मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग गाइस। सबसे पहले शुरू करते हैं, हे ईश्वरीय शक्ति पायल नंबर टू के लिए गाइड कीजिएगा। पायल नंबर टू पीपल, आप लोगों को तरह तरह के सुगंधित चीज़ें लगाने का बहुत शौक है, डिफरेंट डिफरेंट परफ्यूम्स, सेंट्स, स्टिक्स, डीओज, इत्र, पाउडर, क्रीम, खूबसूरत होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, फ्रेश फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, वो बहुत पसंद है आपको। यू गाइज लव खुशबूदार चीज़ें, आप लोगों को बहुत पसंद है। मतलब जैसे कि कुछ लोग होते हैं, मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अगर किसी प्रकार की ऐसी कोई डीओ परफ्यूम कुछ ऐसा मतलब अच्छी फ्रेग्रेंस की कोई चीज़ अगर लगा लूँ ना तो मेरे सर में दर्द बंद नहीं होता बिल्कुल भी और मैं बिल्कुल खुश नहीं होती, तो आई डोंट यूज़ एनी परफ्यूम और एक्सेट्रा। लेकिन कुछ लोग है यहाँ पर पायल नंबर टू जिनके लिए मैं चेक कर रही हूँ, यू गाइज लव परफ्यूम, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है सुगंधित चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें, आप लोगों को बहुत, आप लोगों का वीनस, आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग है पायल नंबर टू पीपल, शुक्र बहुत स्ट्रांग है। आप जो चीज़ चाहते हैं ना वो आपको रोध होके सही लेकिन मिल ज़रूर जाती है, अंत में ही सही लेकिन मिलती ज़रूर है, दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। और मुझे यहाँ पर ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आप अभी हाल फिलहाल आपके मन में बहुत इच्छाएं हैं, चीज़ों को लेकर के बहुत इच्छाएं हैं, बहुत मन है आपका, ये कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो बहुत मन है आपका चीज़ों को लेकर के, और आप वो एक एक इच्छा अपनी पूरी करने की कोशिश में लगे हुए हो, वो एक एक इच्छा आप अपनी पूरी करना चाहते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। और मन तो मन है, ऑब्वियस सी बात है, आपके मन में ये भी है कि मुझे अपने घर वालों के लिए वो करना है जो और कोई नहीं कर पाया। आप मुझे ऐसे भी फीलिंग आ रही है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स का ना सर जो है गर्व से उठाना चाहते हैं, ठीक है, उनको उनको बहुत पॉजिटिवली बूस्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुझे ऐसे भी बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। और मुझे एक चीज़ और यहाँ पर फील हो रही है बहुत स्ट्रांग, और वो ये है कि आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रू लव का वेट कर रहे हैं, ट्रू लव की एनर्जी है यहाँ पर, वेटिंग है, वो जो आपने पाइल पिक किया है ना वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आप लोगों की एनर्जी से मैच हो रहा है। हो सकता है आप लोगों ने उस पाइल को ही इसलिए पिक किया है क्योंकि आप किसी इंतज़ार में हैं, या फिर आप उसकी खूबसूरती से इतने मुतासर हो गए, इतने इंस्पायर्ड हो गए, इतने अट्रैक्ट हो गए कि आपने उस पायल को पिक कर लिया। खूबसूरती का बहुत खेल है यहाँ पर, आप अपने लाइफ में ट्रू लव भी बहुत खूबसूरत चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही हैंडसम या ब्यूटीफुल दिखते हों, और उनके अंदर मैनर्स हों, आप एक ऐसे इंसान जिसके अंदर मैनर्स बहुत हैं,
समझदार है, मैनर्स बहुत है, एटिकेट्स बहुत है, टेबल मैनर्स से लेकर के क्लोथिंग के मैनर्स, किससे कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है. यू गाइज आर वेरी मैच्योर, मैच्योर बाय योर एनर्जीज. और आप बहुत ही चंचल हैं, बहुत ही ग्रेसफुल हैं आप. ठीक है, दिस इज़ व्हाट आल्सो आई एम गेटिंग फॉर द पाइल नंबर टू पीपल. बहुत ही मतलब ग्रेसफुल लोग हैं आप. और एक चीज़ और मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, वेट तो चलो खैर है, वेट तो है, लेकिन इस वेट के अंदर ना वो नहीं है, जैसे कि होता है ना कि इंसान एकदम बिलख जाता है, इंसान एकदम रोना शुरू कर देता है, वो रोने वाली एनर्जी नहीं है. यू गाइज आर वेरी मच कूल डाउन विद योर वट एवर यू आर अचीविंग. आपको ऐसा लगता है कि ठीक है हो जाएगा, ऐसी चीज़ें मैं फील कर रही हूँ. आशीष गिर गए हैं. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये तो थी आप लोगों की एनर्जी. ये एनर्जी आपको हेल्प करेगी जानने के लिए कि आपने जो पाइल पिक किया है वो सही है या नहीं. अगर आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई वो आपसे रेजोनेट नहीं हुई है, तो इसका मतलब आप गलत पाइल सिलेक्शन में हैं. ठीक है, क्योंकि आज की रीडिंग साइकिक रीडिंग्स हैं, आपने अपने साइकिक अलाइनमेंट से ही पिक किया है पाइल नंबर टू को. चलिए शुरू करते हैं. तो कुछ बहुत दिल से चाहते हैं आप, बहुत दिल है आपका, लेकिन उस चीज के लिए आपके मन में ये नहीं है कि वो होता ना एक नेगेटिव सा फ्रेम होता है दिमाग में कि हाँ ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं है. यू गाइज आर वेरी मच नॉर्मल, शांत. लवर्स, मैंने पहले ही बोला था, द डेविल, द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, भाग खुल गए भाई. बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ सोर्ड्स, भाग खुल गए हैं जी, भाग खुल गए हैं. अच्छा गाना नहीं था ये. मुझे बड़ी खुशी हो जाती है जब अच्छे अच्छे कार्ड्स आते हैं ना. आई जस्ट फील सो ब्लेस्ड कि हाँ अब अच्छा बोलना पड़ेगा, बुरा नहीं बोलना पड़ेगा. मुझे बड़ी खुशी होती है. सो आप में से बहुत सारे लोग मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियंस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और ये नज़र आ रहे हैं. यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. माई ब्यूटिफुल पीपल, मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से चांद के टुकड़ों, मुझे बहुत खुशी सी हो रही है आज को देख के. वट यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग बिकॉज ऑफ दिस फुल मून, प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश्वास मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आपके जीवन में कोई आ रहा है विद द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप्स, ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो कि आपका ट्रू लव है, लवर्स का कार्ड है यहाँ पर. कोई ऐसा इंसान जो भगा भगा आ रहा है आपके जीवन में, अगर आप सिंगल हैं तो भी, अगर आप मिंगल हैं तो भी, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो भी, अगर आप शादीशुदा हैं तो भी. आई एम सीइंग योर लव लाइफ इज इम्प्रूविंग. ओके, आपकी लव लाइफ इम्प्रूव हो रही है. एक बहुत ही खूबसूरत, समझदार, जेन्युइन, पॉजिटिव पर्सनैलिटी आपके जीवन में आ रही है जो आपको सच्चा प्यार, सच्ची हैप्पी एनर्जीज देने वाली है. ट्रू लव की एंट्री हो रही है आपके जीवन में. ट्रू लव, आपका सोलमेट, उसकी एंट्री हो रही है आपके जीवन में. आप अपने जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखने वाले हैं, आप अपने जीवन को एक अलग तरीके से देखने वाले हैं. आपके जीवन में अगर एंटरटेनमेंट की, एडवेंचर की, खुशी की कहीं ना कहीं अगर कमी थी ना, फाइनली वो चीज़ आपके जीवन में आ रही है. आई एम सीइंग बहुत सारे लोग यहाँ पर एडवेंचर पर निकलने वाले. हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ डेट पर जाएं और ये डेट कोई एक दिन की ना हो, आप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है किसी टूर पर जा रहे हैं, किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, ठीक है, और इन्जॉय कर रहे हैं. मुझे यहाँ पर ना ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे किसी आप ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ पर वाटर बहुत होगा, जैसे ऋषिकेश हो गया,
जो धार्मिक भी हो, मतलब रिलीजियस भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, कोजी भी हो, रोमांटिक भी हो और बहुत ही पॉजिटिव सा भी हो, किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जैसे किसी माउंटेन वाली जगह पर जा रहे हैं जो कि धार्मिक स्थल है, या किसी आप ऋषिकेश जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, ठीक है, केदारनाथ जा रहे हैं, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है आप लोग कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ या अपने वुड बी, अपने ट्रू लव के साथ में किसी रिलीजियस प्लेस पर जा रहे हैं, किसी टूर या किसी ट्रिप पर जा रहे हैं। आपको बहुत मज़े आने वाले हैं, बहुत मज़े आने वाले हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है भाई, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी पक्की होने वाली है। ये जो फ्लावरिंग फुल मून है ना, आप लोगों के जीवन में तरक्कियां लेकर आ रहा है, मतलब समय बदल रहा है, अच्छा समय आ गया है कहीं ना कहीं। आपकी, मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी फील हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स के साथ, थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी है, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ना पहले जिनकी शादी हो गई और अब उनकी टूट भी गई और अब वो दोबारा शादी कर रहे हैं, या फिर पहले शादी हो गई लेकिन उस चीज़ से संतुष्ट नहीं है और कोई और इंसान उनके जीवन में आ रहा है, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है। और अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं, हैप्पी हैं अपने जीवन में, तो उसके अंदर और खुशियां और बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है विद द एस ऑफ कप्स एंड एम्परर। प्यार करने के लिए, घूमने फिरने के लिए भी लक्ष्मी जी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर है एम्परर, ठीक है। आप लोग मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मनी अचीव कर रहे हैं, मनी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग आई एम सीइंग एस ऑफ कप्स का कार्ड। अब क्या होता है ना कि वो ही बंदा पॉजिटिवली रोमांस कर पाता है, प्यार कर पाता है, खुशी खुशी रह पाता है अपने पार्टनर के साथ, जो जिस इंसान के दिमाग में ना चिक चिक नहीं लग रही हो कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, यार इतनी तारीख आ गई, यहाँ पे ये पैसा ऐसे जाएगा, वहाँ पे वो पैसा, ये सब चीज़ें नहीं होती ना, बंदा सुकून से रह पाता है अपने पार्टनर के साथ। सो स्टेबिलिटी इज कमिंग, पाइल नंबर टू पीपल, स्टेबिलिटी इज ऑल्सो कमिंग। ये फुल मून, ये फ्लावर फुल मून आपके जीवन में आपके इंतज़ार को ख़त्म कर रहा है। अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो ना काफ़ी अरसे से, और स्पेशली अगर वो लव लाइफ से रिलेटेड है, वो ख़त्म हो रहा है, आपके जीवन में ट्रू लव आ रहा है, आपके जीवन में ट्रू सोलमेट आ रहे हैं, कुछ लोगों के जीवन में उनके ट्विन फ्लेम आ रहे हैं जिनके साथ में वो एक नई जर्नी को शुरू करेंगे, कुछ लोगों की शादियाँ पक्की हो रही हैं, कुछ लोग एडवेंचर करने वाले हैं, उनके जीवन में एडवेंचर आ रहा है, कुछ लोग अब एक नई पर्सनैलिटी के साथ, बिल्कुल नई पर्सनैलिटी के साथ खुशी खुशी अपने लाइफ को जीने वाले हैं, कुछ लोगों के जीवन में यू नो स्टेबिलिटी आ रही है। और ये स्टेबिलिटी ऐसी वैसी नहीं है, ये स्टेबिलिटी बहुत ही कमाल की स्टेबिलिटी है, और आप अलाइन होने वाले हैं, मतलब आप खुश होने वाले हैं, आपका जो दिल है ना वो प्यार से और पॉजिटिविटी से भरने वाला है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। फ्रूटिशन, समय आ गया है, रेस्ट अश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूटिशन, यानी कि अब समय आ गया है कि आपके सपने, आपके विजन सब सच हों और वो खुशियों से भर जाएं। एंड दिस वीडियो इज एक्चुअली साइन दैट यूनिवर्स इज यू नो जेंटली नडगिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू यू द साइन एंड सिंक्रोनिसिटी। तो परमात्मा आपको तो वैसे भी बहुत बार बता चुके हैं कि अब ऐसे समय आ रहा है, ऐसे समय आ रहा है, ठीक है, तो प्रिपेयर कर लो अपने आप को, अच्छे अच्छे ड्रेसेस ले लो, अच्छे अच्छे यू नो अपने करियर के ऊपर अच्छे से काम करो, बिकॉज आप घूमने जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ, ट्रिप टूर कहीं भी जा रहे हो। अब कुछ लोग ये मत कहना कि मेरे तो घरवाले नहीं भेजेंगे, भाई मुझे नहीं पता घरवाले भेजे ना भेजे, ठीक है, आप लोग जा रहे हो, बस मैं ये चीज़ जानती हूँ, बिकॉज कार्ड्स आर सेइंग ऑल दीस थिंग्स। दी हेलमेट वॉकर द आर्चर और डिवाइनर, पहली बात तो डिवाइन टाइम आ गया है आप लोगों का, ठीक है, पाइल नंबर टू पीपल, योर डिवाइन टाइमिंग इज देयर, अब समय आ गया है, प्लानिंग ऑफ समथिंग, एज आई टोल्ड यू आर्चर का कार्ड है यहाँ पर, आप प्लानिंग करने वाले हो चीज़ों की बहुत पॉजिटिविटी के साथ। वॉकर का कार्ड है, यानी कि आप एक अननोन पर्सन के साथ एक पॉजिटिव जर्नी की तरफ बढ़ रहे हो, अगेन जर्नी, बस आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, जब तक आपका रिश्ता 100% ऑफिशियल ना हो जाए तब तक आपने चौचंगा नहीं करना है लोगों के साथ में, उसको इतना ज़्यादा शेयर नहीं करना है, इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि सेल्फ प्रोटेक्शन ऑफ दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ से है फेसिंग माई शैडो रिमूव्स डार्कनेस फ्रॉम द वर्ल्ड। अब एक चीज़ यहाँ पर आई है कि इस फुल मून के दिन ना आपने दो काम करने, एक तो मैं रिचुअल बताऊंगी वो तो करना ही करना है, एक काम उससे पहले आपने करना है, आपने अपनी 10 कमियाँ
आराम से होती हैं, ठीक है। 10 कमियां मैं निकालने बैठूंगी ना तो मेरी भी 10 कमियां निकल जाएंगे मुझे, ठीक है जी। तो 10 नहीं तो 3-4 तो निकल ही जाएंगे, मतलब 10 से 10 के बीच में निकल जाएंगी, आपकी भी कमियां निकल जाएंगी, मेरी भी निकल जाएंगी, हम सबके निकल जाएंगे, हम क्योंकि हम सब लोग कोई दूध के धुले नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम बहुत गलतियां करते हैं, आंखों देखिए बहुत मक्खियां निगलते हैं हम, ये रियलिटी है। हम बोलते हैं ना आंखों देखिए मक्खी नहीं निगली जाती, हम निगलते हैं बहुत बार, क्योंकि हमारी जो ये देह है ना इसको पड़ गई है खराब आदतें। तो हम क्या करते हैं ना, बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, हमें पता है वी आर डूइंग रॉन्ग। मैं आज भी आपको बताऊं, मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि विदाउट टेकिंग एनर्जी एक्सचेंज आई डू लॉट्स ऑफ रीडिंग लोगों की, और इसकी वजह से आई गॉट लॉट्स ऑफ हेल्थ इश्यूज़, और मेरे घर में बहुत सारी परेशानियां जनरेट हो जाती हैं, पेरेंट्स के बीच में, भाई बहनों के बीच में, ठीक है। तो पता है मुझे मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं कर रही हूँ, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, सही से नहीं सोना, सही से नहीं सोचना, बहुत बार परेशान हो जाना, ठीक है, बहुत बार हर काम बस मैं कर लूँगी वाली एनर्जी में रहना। तो बहुत सारी ऐसी आदतें आपकी भी होंगी जो हो सकता है कि सामने वाले को लगे कि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, कर लेते हैं लोग, अच्छी है ये तो, इसलिए कर रही है ऐसा, लेकिन नहीं, इतना अच्छा नहीं बनना है बाबा, कलयुग में रह रहे हो, दूसरा चरण शुरू हो गया है कलयुग का, इसलिए आपको बोला जा रहा है फुलमून आने से पहले पहले कम से कम 10, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10, और कम से कम जितनी भी 10 से कम बने आपने अपनी गलतियाँ लिखनी है, और उन गलतियों को अपने गोला मार के अपने आप से प्रॉमिस करना है कि ये गलती मैंने नहीं करनी है, सो दैट आप जैसे अपनी लाइफ की शैडोज़ को फेस करोगे, शैडोज़ ही हैं ये, हम फेस नहीं करते, जैसे आप अपनी शैडोज़ को फेस करोगे आप अपने जीवन से डार्कनेस को रिमूव कर पाओगे, ठीक है। स्टार्ट डूइंग दिस, और लेट मी टेल यू मूनोलॉजी से क्या एडवाइस है, क्योंकि हम फुल मून की रीडिंग करें और मूनोलॉजी को ना पिक करें तो बहुत पॉसिबल ही नहीं है। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपकी तरफ है, बस प्रिपेयर कर लो अपने आप को, आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो जवाब आपको चाहिए थे फाइनली दे आर कमिंग, ओके। नाउ लेट्स सी एडवाइस फ्रॉम दिस साइड, फेथ इज पैशनेट इंट्यूशन, फेथ रखिएगा अपने इंट्यूशन पर, बहुत जल्दी बहुत करामाती चीज़ें होने वाली हैं। आई एम सो हैप्पी आफ्टर सीइंग योर प्रेडिक्शंस, योर कार्ड्स, कि लव आ रहा है आपके जीवन में, क्योंकि अगर इंसान के जीवन में सच्चा प्यार नहीं है ना तो वो एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित है, ये रियलिटी है। हम सबको प्यार चाहिए, राइट, क्योंकि ह्यूमंस को परमात्मा ने सबसे पहला इमोशन प्यार का ही दिया था, काइंडनेस का दिया था, और वही चीज़ है ना आज के, क्या बोलूँ मैं, इतने बेकार लोग हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ वो जानवरों पर कैसे अत्याचार करते हैं, बहुत बदतमीज लोग होते जा रहे हैं। एंड आई होप कि 111 से जुड़ा हुआ हर इंसान काइंड है, पॉजिटिव है, जानवरों की देखरेख करने में सबसे आगे है, हेल्प करने में आगे है, लेकिन अपने आप को कभी भी गिराना नहीं है चीज़ों में, ठीक है। सो अब बारी आती है रिचुअल की, रिचुअल आप लोगों ने क्या करना है फुलमून के दिन, ताकि आप अपने जीवन में एक बड़ी तरक्की और ग्रोथ देख सकें, इनफैक्ट आपको क्लैरिटी मिले। अब मैंने यहाँ पर ना एक चीज़ की कमी देखी है, वो इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर आप लोगों से शेयर करूँगी, मैंने क्या कमी देखी है मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेने हैं काले तिल, काले तिल, ब्लैक सेसमे सीड्स, ठीक है, लेने हैं आपने, उसके अंदर आपने डालनी है शुगर, आप एक एक चम्मच ले लो सब कुछ, ठीक है। उसके अंदर आपने एक चम्मच आपने लिया ब्लैक सेसमे, एक चम्मच आपने ली जो शक्कर आती है ना चीनी, वो आधा इतना सा आपने उसके अंदर ऐड ऑन किया हल्दी, ठीक है, और आपने उसके अंदर डाली या तो फिटकड़ी, ठीक है, या फिर आपने उसके अंदर डाला कपूर, या तो फिटकड़ी या तो कपूर, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपने जो है उसके अंदर डालनी है। अब आपने क्या करना है, सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, यानी पीस लेना है, उसका बना लेना है आपने चूरा। अब आपने क्या करना है, एक लेना है पेपर, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने किसी को आप लोगों में से कोई वीडियो बनाया था जिसमें डेस्टिनी के बारे में बताया था, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने पेपर लिया, इतना बड़ा तो पेपर होना चाहिए, ठीक है, आपने लिया पेपर, उस पेपर के अंदर आपने डाला अपना ये सारा का सारा चूरा जो मैंने आप लोगों को बताया, ये सारा मिक्सचर जो आपने ग्राइंड किया वो सारा आपने डाला, बहुत सारा भर के नहीं बनाना है, थोड़ा सा ही बनाना है कि वो 1-1.5 चम्मच बन जाए बस। करने के बाद आपने उसको ऐसे ऐसे फोल्ड करना है,
ओह सॉरी, पहले मैं बता दूं आपको, आपने एक पेपर लेना है, उस पेपर के अंदर आपने अपनी इच्छा को लिखना है, ठीक है? वो लव से रिलेटेड हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, एनी विश आपने क्या करना है, लिखना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेड कलर का पेन, प्रेजेंट टेंस में, और उस चूरे को इस पेपर के अंदर डाल करके ऐसे उसको करना है फोल्ड, ठीक है, ऐसे करना है उसको फोल्ड। अब आपने क्या करना है, रात को 11:11 पर छत पर जाना है, जब फुल मून अपनी एकदम स्ट्रांग इंटेंसिटी वाली एनर्जी में होगा तब आपने छत पे जाना है या अपनी बालकनी में जाना है, वहां पर भगवान से प्रार्थना करनी है, और इस पुड़िया को जो आपने बनाई है ना, इस पुड़िया को आपने वहीं पर ही कहीं रख देना है फुल मून की एनर्जीज के अंदर, कि उसके अंदर रेज पड़ रही हो, ठीक है? आपने रख दिया, रखने के बाद आपने क्या करना है, सुबह उठना है जल्दी, अपने घर से कम 1 किलोमीटर दूर किसी अच्छे मंदिर या किसी हॉस्पिटल या किसी स्कूल में जा करके आपने कोई बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ लगा देना है, फ्लावर का भी हो सकता है, फ्रूट का भी हो सकता है, या नॉर्मल कैजुअल जो भी पेड़ होते हैं वो भी हो सकते हैं, लगा देना है, उसकी केयर करनी है। अब क्या होगा, जैसे जैसे वो ग्रो करेगा ना पेड़, वैसे वैसे आप देखोगे कि आपकी लाइफ में वो जो इंटेंशन आपने लिखी थी ना उस पेपर पे, वो भी ग्रो कर रही है, ठीक है? पेड़ जब भी आपने लगाना है तो पहले इसको डालना है गड्ढे में, फिर पेड़ लगाना है आपने, और आपने घर आ जाना है, अब उसकी केयर ज़रूर करना। अगर तो आपका पेड़ लग जाता है अच्छे से और वो ग्रो कर रहा है तो समझ जाना आपकी जो इंटेंशन है वो डेस्टाइंड है, वो होगी ज़रूर और बहुत अच्छे से होगी। लेकिन अगर वो पेड़ नहीं लगता है, वो पेड़ मुरझा जाता है और सही से काम नहीं होता है उसका, वो नहीं ग्रो कर पाता, तो आपको पता लग जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये डेस्टाइंड काम नहीं है, तो ये नहीं होने वाला है, ठीक है? ताकि आप अपने दिमाग को फिर डाइवर्ट कर सको। सो स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, आई एम टेलिंग यू, इस फुल मून को आप ये दिन ये काम कर दोगे ना, आप नेक्स्ट फुल मून तक ना पॉजिटिव रिजल्ट देख लोगे अपनी उस इंटेंशन के ऊपर जो आपने उस पेपर के ऊपर लिखी थी, ठीक है? क्योंकि अगर पेड़ ग्रो कर रहा होगा तो, ओके? सो स्टार्ट डूइंग दिस, आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट तरीका टू गिव योर इंटेंशन अ पॉजिटिव बूस्ट, ओके? सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आई एम डेफिनेटली डैम श्योर आप लोगों के जीवन में ये फ्लावर फुल मून बहुत सारी तरक्की और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आएगा, ओके? और अगर अफर्मेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है आपको कि मैं अपनी विश को कैसे लिखूं, तो कमेंट सेक्शन में बताना आप, ठीक है? मैं आपको करेक्ट कर दूंगी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसमें, ठीक है जी? सो लव यू ऑल, अपना अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी फुल मून टू एवरीवन।